हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों आज हम एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आए हैं जो सबके काम आने वाला है, बच्चे से लेके बड़े आदमी तक के। तो अब हम देखते हैं इसको हम कैसे यूज करेंगे। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं दी गेम्स अनबॉक्सिंग। हम करते रहते हैं नए नए प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग। ये पार्टरोनिक्स कंपनी का है। ये है रूफ पैड 10 प्लस। ये एक LCD स्क्रीन है 10 इंच का। इसमें हमें राइटिंग एरिया मिल जाता है। इसमें स्केचिंग कर सकते हैं, स्क्रिबलिंग कर सकते हैं, हैंड राइटिंग कर सकते हैं और मैथ प्रैक्टिस कर सकते हैं हम इसके अंदर। मैथ प्रैक्टिस के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। मैथ के इसमें सवाल करो और इसको हम मिटा सकते हैं। कंटेंट सेफ्टी बटन भी दिया गया है इसके अंदर, उसका बहुत ही अच्छा यूज है, वो अभी हम बताएंगे अभी आपको। सबसे पहले तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, तो बैटरी की बात कर लेते हैं। तो इसमें 3 वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई है जो कम से कम 20,000 इरेज साइकिल तक, मतलब 20,000 बार इसका इरेज का बटन दबाने तक चलेगी। तो और ये 1 साल की वारंटी के साथ भी आती है, तो बैटरी को लेके कोई दिक्कत नहीं है हमको। प्राइस लिखी हुई है 1299 रुपीज, लेकिन ये हमें सिर्फ और सिर्फ 299 रुपये में मिला है। जल्दी से करते हैं हम इसकी अनबॉक्सिंग। और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं तो एक इन्होंने स्केच भी बनाया हुआ है इसके ऊपर, इसको हम खोल देते हैं। तो इसमें हमको एक टैबलेट जैसा कुछ मिला है। एक्चुअली ये एक टैबलेट नहीं है, ये हमको एक स्क्रीन है, ये डिजिटल स्क्रीन है। तो और इसमें एक नीचे हमको पैन मिला है, तो ये हम इस पैन को निकाल लिया है। पैन में एक नुब दी गई है जो इस पे काम करती है। ये स्क्रीन है इसकी इतनी बड़ी, ये पूरी इसकी स्क्रीन है जिस पे अभी हम पैन चला रहे हैं। ये पूरी पे एक स्क्रीन है। ये इसमें हमको एक बटन दिखाई दे रहा है, ये डिलीट का जो बटन दिख रहा है। तो इसको हम जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो अभी आपको काफी सारी शेप दिख रही होंगी। मैं और बना देता हूँ शेप इसके ऊपर। तो ये हमने शेप बनाई हुई है काफी, कुछ ऐसे ही बनाया हुआ है क्रॉस क्रॉस सा। जैसे ही मैं इस बटन को दबाऊंगा ये सारी क्रॉस गायब हो जाएंगी। हो गई गायब, तो इसका मतलब ये इरेज हो गया है। अगर हम दोबारा कुछ भी लिखना चाहें तो दोबारा लिख सकते हैं इस पे कुछ भी। तो इस पे हमने हमारे चैनल का नाम लिख लिया है। और अगर अब हम इसको चाहें तो इसको भी हम इरेज कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक फंक्शन और दिया गया है कि यदि गलती से आपसे ये डिलीट ना हो जाए तो इसमें ऊपर कुछ बटन्स दिए हुए हैं। ये लॉक का बटन है, तो अभी अनलॉक है, अनलॉक पे है अभी बटन। ये जैसे अगर मैं इसको इस तरफ से प्रेस कर दूंगा ये लॉक की तरफ, तो अब ये इरेज का बटन दबाने पर भी नहीं मिटेगा। जैसे कि मैंने अभी इरेज का बटन दबाया तो ये नहीं मिट रहा है। तो इसका मतलब इसको आप अगर चाहें तो अपनी फोटो खींच के अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं, या फिर जब तक आपका इससे इम्पोर्टेंट वर्क है तब तक आप इसको काम में ले सकते हैं। जब आपको लगता है कि इससे आपका काम फिनिश हो गया है तो इस अनलॉक वाले बटन को आप दबा सकते हैं। और नॉर्मली अगर आप चाहें तो इसको अनलॉक ही रहने दीजिए और आप इस पर काम करते रहिए और इसको डिलीट करते रहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ों में काम आ सकता है। बच्चे इसको स्लेट की तरह यूज कर सकते हैं, और जो मैथ से सवाल करना पसंद है उनको तो मैथ के सवाल कर सकते हैं इसके अंदर। काफी सारी चीजें कर सकते हैं। जिन बच्चों को पेंटिंग पसंद है वो इसके अंदर पेंटिंग कर सकते हैं। जो बहुत ही हैंडी लगा, ये सिंपल फंक्शन है, आप लिखो और डिलीट करो। 300 रुपए के हिसाब से प्रोडक्ट बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सस्ता है, बहुत ही अच्छा है। और वजन में बिल्कुल हल्का है, कोई टूटने फूटने का डर नहीं किसी भी तरीके का। तो मेरे हिसाब से ये प्रोडक्ट एकदम ओके है। इसमें एक रिप्लेसेबल बैटरी लगी हुई है, यदि हम चाहें तो इस बैटरी को चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन काफी इसमें कुछ इतना फंक्शन नहीं है कि आपकी बैटरी इसमें जाएगी। बहुत सिंपल है, अच्छा है यूज करने के लिए। तो मेरी तरफ से प्रोडक्ट को 10 में से 10 मार्क्स हैं। दोस्तों कैसा लगा आपको ये प्रोडक्ट? मुझे तो बहुत अच्छा लगा।